चलिए उड़ते हैं। तो देख सकते हो हम उड़ चुके एकदम एक ही जगह से, और हमको हाइट पे चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं वो टापू से ही उड़ रहा हूँ कब से। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो ये एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इलाइट्रा को ए टू जेड किस तरीके से उड़ सक मतलब यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से एक जगह पे खड़े खड़े, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहीं से खड़े खड़े आप उड़ सकते हो। मतलब हर एक चीज़ मैं इलाइट्रा के बारे में बताने वाला हूँ, और ये भी बताऊँगा कि आप मोबाइल में, जैसे कि आप देखते हो कि बड़े बड़े यूट्यूबर कंप्यूटर में एकदम ज़मीन के ऊपर से ही उड़ जाते हैं इलाइट्रा से, तो आप मोबाइल के अंदर ही कैसे ज़मीन के ऊपर खड़े खड़े उड़ सकते हो, मतलब डायरेक्ट ही उड़ सकते हो, आपको हाइट पर जाना नहीं होगा, आपको भागना नहीं होगा, एक जगह पे खड़े खड़े। तो आज मैं ए टू जेड यूज़ ऑफ इलाइट्रा बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला इलाइट्रा का ए टू जेड मतलब उसका सब कुछ जो भी वो होता है। तो सबसे पहले इलाइट्रा लेते, ये रहा इलाइट्रा, उसके बाद हम फायर वर्क्स ले लेते हैं। तो फायर वर्क्स कहाँ पे, तो फायर वर्क्स ये रहे, और आपको नॉर्मल वाले फायर वर्क्स ही चाहिए होंगे, अगर दूसरे आप फायर वर्क्स यूज़ करते हो तो काम नहीं बनेगा। देखिए ये वाले नॉर्मल फायर वर्क्स, तो मैं दो स्टैक ले लेता हूँ। और आपको इलाइट्रा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता देता हूँ, जैसे कि इसकी इंचैंटमेंट्स बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले इसके अंदर आप लगा सकते हो, इसके अंदर आप लोग आप है ना मेंडिंग लगा दीजिएगा, इससे ना ये कभी भी टूटेगी नहीं, और अनब्रेकिंग से इसका डैमेज बहुत ही कम होगा, मतलब बहुत ही कम टूटेगी। तो ये इलाइट्रा के इंचैंटमेंट्स से जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप अगर लगा दोगे तो आप एक ही इलाइट्रा से लाइफ टाइम तक कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको पहले इलाइट्रा पहन लेता हूँ और सर्वाइवल में आ जाता हूँ मैं सबसे पहले आपको दिखाने के लिए। तो मैं सर्वाइवल में आ जाता हूँ और अपने वीडियो को मतलब थर्ड पर्सन बैक में रखता हूँ कि आपको दिखे तो देख सकते हो। तो आपको तो ऊपर से उड़ना आता ही होगा, आपको कैसे करना है आपको है ना, ये देखिए ये बटन दबा के रखेंगे तो आपकी लाइटर खुल जाती है, आपको दिखा देता हूँ। तो ये जंप बटन जिससे आप जंप करते हो, अगर आप उसको दबा के रखते हो तो आपकी लाइटर खुल जाती है। देखिए मैंने दबा के रखा और ये इसकी मतलब ये लाइटर खुल गई, आप देख सकते हो। तो ये इस तरीके से लाइटर खुलती है, मतलब आपको है ना ये जो आगे पीछे जाने का बटन है इसका यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ ये वाले बटन से मतलब ये जो जंप बटन है आपको दिख रहा है। तो आपको है ना एक ब्लॉक से उड़ने के लिए क्या करना होगा, पहले हाथ में आपको ये रॉकेट ले लेना है, आप देख सकते हो फायरवर्क्स है मेरे पास। फिर आपको क्राउच, आप जब भी उड़ सकते हो जब आपकी लाइटर खुली हो, तो क्राउच हो जाने का आपको, तो क्राउच होने पर देख सकते हो आपकी लाइटर एकदम खुली है। और आपको क्या करना है, आपको ऊपर की साइड देखना है, फिर आपको क्या करना है, आपको जंप बटन दबाते रहना है और अपने ये लेफ्ट हैंड जहाँ जिससे आप ये आगे पीछे बटन कंट्रोल करते हैं उसको है ना स्क्रीन के ऊपर आपको होल्ड करके रखना है, जिससे कि ये फायरवर्क्स एक्टिवेट हो जाए। तो देखिए मैं जंप बटन क्लिक करते रहूँगा, ये जंप बटन आपको ऐसे क्लिक करते रहना है और फिर आपको ये फायरवर्क्स को लॉन्च कर देना है। तो देखिए मैं ना ऐसे मतलब ऐसे करते रहेंगे आप लोग, तो इससे क्या होगा कि आप ऊपर उड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए मैं ना एक बार आपको उड़ के दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको उड़ के दिखाता हूँ। अब मैंने आपको बताया तो खरी, आपको सिर्फ ये जंप बटन को क्लिक करते रहना है आपको इस तरीके से, और दो जैसे आपको क्लिक करना है और लेफ्ट मतलब लेफ्ट आपका जो हैंड है उसमें उससे है ना आपको कोई भी उंगली से होल्ड कर रखना है स्क्रीन के ऊपर। तो मैं ना देखिए दबा के रखने वाला हूँ और आपको ऊपर देखते रहने का है। तो चलिए अब मैं उड़ता हूँ आपको दिखाने के लिए कि उड़ सकते कि नहीं। चलिए तो फिर इस डायरेक्शन में है ना मैं उड़ने वाला हूँ ऊपर, आपको देखना है, आप ऊपर कितना भी ऊपर देख सकते, पूरा ऊपर नहीं हल्का सा आड़ा मतलब आपको हल्का सा इस तरीके से ऊपर देखना है, तो इससे आप उड़ जाएगा। तो देख सकते मैं उड़ गया था, तो आपको मैंने दिखा दिया अभी है ना, इसको मैं आपको एकदम परफेक्टली करके दिखाता हूँ तो आपको कैसे करना है। चलिए तो एकदम परफेक्टली मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अब एकदम परफेक्टली करता हूँ, पहले क्राउच हो जाने का, फिर आपको ऊपर देखने का, फिर देखिए मैं एकदम आराम से ऊपर उड़ चुका हूँ एक ही जगह पे खड़े खड़े। अगर आपको दिखा मतलब आपने तो देखा ही होगा, तो फिर एक और बार मैं आपको करके दिखाता हूँ अगर आपको पता ना हो तो। फिर आपको स्मूथ लैंडिंग के लिए एकदम आराम से घूमते घूमते आना होता है और इस तरीके से लैंडिंग हो जाती है स्मूथ। तो चलिए अब है ना मैं आपको वापस से करके दिखाता हूँ। देखिए मैं ये क्राउच हूँ यहाँ पे, मेरे ये पंख खुले हैं इलाइट्रा के, तो आपको ये जंप बटन दबाने का और होल्ड करके रखने का। तो देख सकते हैं मैं उड़ चुका हूँ एक और बार, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपको पता नहीं था तो अगर आपको अभी मेरे वीडियो देखने पे पता चला तो एक लाइक कर देना वीडियो को, और मैं आपको दूसरे ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इलाइट्रा को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका, अगर आपको उड़ना हो तो, फिर अगर आपको क्राउच होके नहीं आ रहा हो, क्राउच होके उड़ने का तरीका एकदम बहुत ही अच्छा है। तो देखिए
फिर आपको क्या करना है, अगर आपको क्राउच होकर नहीं करना है तो आपको एक ही जगह पे है ना जंप बटन को 3 बार क्लिक करना है। तो 1, 2 और 3 देखिए 2 बार क्लिक करने पे आपकी लाइटर खुलने लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड से होल्ड करके रखना है स्क्रीन को और ये जंप बटन को दबाना है। तो इस तरीके से भी आप उड़ जाएंगे अगर आपने क्राउच नहीं किया हो तो। चलिए मैं आपको उड़ के दिखाता हूँ मतलब। तो फिर देखिए ये इस तरीके से देख सकते हो, अभी मैं उड़ने वाला था तो आपको इसी तरीके से करना है। तो चलिए अब मैं आपको उड़ के दिखाता हूँ और आपको ऊपर देखते रहना है। तो चलिए उड़ते हैं। तो देख सकते हो हम उड़ चुके हैं एकदम एक ही जगह से और हमको हाइट पर चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं वो टापू से ही उड़ रहा हूँ कब से, आपको आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके से आप लाइटर को यूज़ कर सकते हो और इसमें मेंडिंग और अनब्रेकिंग डालोगे तो आपकी लाइटर बहुत ही टाइम तक सर्वाइव करेगी, मतलब टूटेगी नहीं। तो एक और बार आपको उड़ के दिखाता हूँ। तो मैं इधर थर्ड पर्सन में मतलब थर्ड पर्सन बैक में हूँ कि आपको पूरी तरह दिखेगा। तो चलिए अब एक और बार आपको दिखा देता हूँ, आपको है ना यहाँ से ऊपर देखना है और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप क्राउच होकर कर सकते हो, आपकी लाइटर पहले ही खुली है, आपको सिर्फ जंप दबाना है और आपको रॉकेट यूज़ करना है होल्ड करके। तो देख सकते हो इस तरीके से। तो चलिए फिर मैं है ना यहाँ से उड़ता हूँ। तो देख सकते हो मैं उड़ चुका हूँ। तो उड़ना इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, ट्रिक आएगी तो आप आराम से उड़ सकते हो, आपको सिर्फ पंख खोलना है, इलाइटर जैसे खुल जाती है वैसे ही आप उड़ सकते हो। तो चलिए मैं एक और बार आपको दिखाता हूँ जंप वाली टेक्निक। तो आपको एक जगह पर जंप करते रहना है, आपको ऊपर देखते रहना और इस तरीके से आप उड़ जाएंगे। देख सकते हो कुछ ही सेकंड में मैं उड़ चुका हूँ, सेकंड भी नहीं लगे, बस एक क्लिक में उड़ चुका हूँ। तो आप इस तरीके से उड़ सकते हो और मतलब इलाइटर से उड़ के मज़े ले सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में और आप अपनी इलाइटर से उड़ते रहिए।